अगला अभ्यास हम लोग गोमुखासन का करेंगे। इसी वज्रासन में बैठे हुए बाएं पैर की एड़ी पर गुदा द्वार को रखते हैं, उस पे एनस को रख लिया और दाहिने पैर को घुटने के ऊपर से ऐसे दाहिना पैर बाएं पैर पे रख लिया। अब दोनों घुटना एक दूसरे से मिला हुआ है आपस में। अब ये एड़ी को खींच के इसमें भी सटा सकते हैं जंघाओं में, नहीं तो थोड़ा फैला भी है। अब लंबा गहरा सांस भरते हुए अब जो पैर ऊपर है आपका वो हाथ ऊपर ले गए ऐसे, और जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे से घुसा कर ऐसे और इसे पकड़ लिया पीछे से, और केवनी सीधा केवनी की तरफ देखते हुए आंखें आसमान की तरफ, हवा अंदर भरा हुआ, मन एकाग्र, मन शांत, शरीर में कोई हलचल नहीं, और पुनः धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए वापस हो गए। अब इस अभ्यास को दूसरे पैर, अब दाहिने पैर की एड़ी पर गुदा द्वार को रखा और फिर बायां पैर को ऊपर से रख लिया। अब जो पैर ऊपर है बायां पैर, बाएं पैर को ऊपर ले गए और दाहिने पैर को नीचे से ले जाकर फिर ऐसे पकड़ लिया आपस में इस तरीके से। अब केवनी सीधा केवनी को देखते हुए आंखें आसमान की तरफ, सांस भरा हुआ, शरीर सीधा, शांत, मन एकाग्र, और फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए वापस आ गए। यह गोमुखासन करने से हाइड्रोसिल जिनका बढ़ा हुआ है उनके लिए बहुत ही लाभकारी, या रोज ये अभ्यास करेंगे तो जीवन में कभी हाइड्रोसिल बढ़ने की शिकायत नहीं होगी। दूसरा, उबड़पन की शिकायत, बहुत लोग थोड़ा आगे से झुक जाते हैं पीठ की तरफ से, तो ये अभ्यास करने से उबड़पन की शिकायत धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ये करने से हृदय मजबूत होता है, कभी हार्ट अटैक होने की संभावना ना हो और कभी हृदय में ब्लॉकेज ना हो, और बाजुओं में ताकत, मेरुदंड सीधा रहता है और मेरुदंड में कभी किसी भी प्रकार के अवरोध का सामना हमें नहीं करना पड़ता है। यह है गोमुखासन करने का अभ्यास और उसके लाभ।